तो कैसे आप सब लोग, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे और कहानी का नाम है चंदा गिनती भूल गए। चंदा मामा प्यारे प्यारे से गोल मटोल से चंदा मामा को ना घूमना बहुत पसंद था। रोज तैयार होते और जैसे ही रात होती ये घूमने निकल जाते और पूरी दुनिया का चक्कर काट आते। और इन्हें तारों को देखना बहुत अच्छा लगता था। तारों को देखकर बहुत खुश होते, मस्ती करते और रात भर खेलते खिलाते और सुबह फिर ये अपने घर को आ जाते। अब ये चंदा मामा जो है ना, इन्हें एक दिन लगा क्यों ना तारों की गिनती की जाए, ये तारे कितने हैं उन्हें पता होना चाहिए ना। तो उन्होंने गिनती शुरू करी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 70, 80, 1000, 2000, 4000, 6000, 10000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़। चंदा मामा तो गिनती गड़बड़ा गए, तो चलो ठीक है कल गिनते हैं। फिर चंदा मामा अगले दिन फिर आए, फिर गिनती करी और गिनती इस तरह से वापस शुरू करी उन्होंने, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1000, 10 हजार, बहुत सारी गिनती गिनते और फिर भूल जाते, गिनते और फिर भूल जाते। फिर थक कर एक दिन चंदा मामा रोने लगे, मुझे क्या हो गया, मैं गिनती क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी याददाश्त को क्या हो गया, मैं बार बार गिनती भूल क्यों जाता हूँ। और रोने लगी और फिर क्या हो गया, आपको कौन आया, सूरज चाचा। इन्होंने बोला, भाई चंदा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। भाई क्या बताऊं, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, देखो ना मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ गिनती गिनने की, रोज मैं तारों को गिनता हूँ पर मैं रोज ही गिनती भूल जाता हूँ। अब मैं गिनती नहीं गिन पा रहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं इन तारों को गिनने की कितनी भी कोशिश करूं पर मैं नहीं गिन पा। ओहो, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे थे तुम, चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें गिन के बताऊंगा। अब मैं तुम्हें गिन के पूरी बात बताऊंगा कि आसमान में कितने तारे हैं, तुम जाओ और आराम। तो चंदा मामा अपने घर चले गए। सूरज चाचा ने क्या बोला कि चलो भाई अब मैं गिनती गिन। उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, चारों तरफ घूमाए, झाड़ियों में, पहाड़ियों में, जंगल में, गाँव में, उन्हें कहीं भी एक भी तारा नहीं दिखाई दिया, एक भी। अरे यहाँ तो एक भी तारा नहीं, मैं क्या जवाब दूँ। अब चंदा मामा को पता चल रहा था कि हाँ, सूरज चाचा ने अभी जवाब दिया नहीं है और इनको पता नहीं चल रहा है कि आसमान में कितने तारे हैं। चलो देखते हैं और इंतजार करते हैं। सूरज अगले दिन फिर निकला, फिर ढूंढा कोने कोने में जाके, जंगलों में, पहाड़ों में, चट्टान में, झाड़ियों में, खेतों में, पर उन्हें कहीं एक भी तारा नहीं दिखाई दिया। और जब एक भी तारा नहीं दिखाई दिया तो वो गिने कैसे, परेशान लाचार वो फिर जो है शाम को अपने घर चले गए। चंदा मामा को पता लग गया कि सूरज चाचा तो गिन नहीं पाए। उन्होंने बोला, भाई आपने गिनती कहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं गिनती नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे एक भी तारा नहीं दिखाई दे रहा है। देखो तुमने मुझसे वादा किया है, अगर तुम गिनती नहीं गिनोगे तो तुम्हारी मेरी कट्टी, तुम्हारे को मेरे को बताना ही पड़ेगा कि आसमान में कितने तारे हैं। तब तक तुम नहीं गिन के आओगे जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और सूरज चाचा चंदा को बहुत प्यार करते थे ना, तो वो बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे गिनती करूँ, क्योंकि मुझे तो एक भी तारा नहीं दिखाई दे रहा। चलो कोशिश करते हैं। फिर से वो गए, फिर जो है अगली सुबह जब वो गए तो उन्होंने गांव में देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उन्होंने वहां देखा बच्चे क्या गा रहे थे, पता है, धरती पे जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही हैं तारे। धरती पे जितने बच्चे प्यारे, आसमान में उतने ही हैं तारे। ये तो सूरज ने सुना, बहुत खुश हो गया, अरे वाह मुझे पता लग गया है इसका जवाब, अरे मुझे पता लग गया कि आप कितने आसमान में तारे हैं। भागा 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 गया, चंदा चंदा बाहर आओ बाहर आओ। चंदा फटाक से बाहर आते हैं, जल्दी से बाहर आते हैं। हाँ हाँ बताओ, अब मुझे पता लग गया है कि आसमान में कितने तारे हैं। आसमान में पता है आपको कितने तारे हैं, धरती पे जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही हैं तारे। धरती पे जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही हैं तारे। ये सुनकर चंदा मामा
बहुत खुश हुआ और बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत खुश हो गए। और दोनों मिलकर ये गाना गाते, जब चंदा मामा आते तो ये गाना गाते और जब सूरज चाचा सुबह आते तो ये गाना गाते। धरती पे जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही है तारे। अच्छा आपको पता है ना कि सूरज को एक भी तारा क्यों नहीं दिखाई दिया, पता है क्यों? क्योंकि तारे सिर्फ रात को ही निकलते हैं, तारे अपनी जगह से कहीं भी नहीं जाते, तारे उसी जगह रहते हैं। पर सूरज की तेज रोशनी की वजह से हम उन तारों को नहीं देख पाते, इसलिए उन तारों को हम कब देख पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ रात को, तारे कहीं भी नहीं जाते। इसलिए सूरज तो कब निकलते हैं? दिन में ना, सुबह में सूरज निकलते तो उसको कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। और चंदा आते हैं रात को तो उन्हें तारे सब दिखाई देते हैं। आया ना मजा? आप जरूर बताइएगा कहानी कैसी लगी आपको। थैंक यू।